नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अडियाला जेल में सातवां रोज, आज मुलाकात का दिन। जुनेद सफदर समेत शरीफ फैमिली के अफराद मिलेंगे। अयाज सादिक और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मुलाकात भी मुतवक्के। मरियम नवाज अडियाला में ही रहेंगी। मरियम नवाज ने सहाला रेस्ट हाउस जाने से भी एक बार फिर इनकार कर दिया। इंतजामिया ने सहाला रेस्ट हाउस को सब जेल बनाने का फैसला किया था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी लॉयर्स फाउंडेशन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, नायब खैबर पख्तूनख्वा ने अमीर मकाम को आज फिर तलब कर लिया। नून लीग के सूबाई सदर का खुद पेश न होने का ऐलान, वकील के जरिए जवाब जमा कराएंगे। कप्तान को जलसों में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को तलब कर लिया। चार रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान के वकील पेश होंगे। इस्लामाबाद में MMA इंतखाबी कैंप पर फायरिंग, तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है फायरिंग पुलिस एहलकार ने की। लाहौर सब्जार में नून लीगी कारकुन आपस में उलझ पड़े, फायरिंग कर दी। लाहौर हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की राह पर। दयामीर और भाषा डैम की तामीर के लिए फंड्स कायम करने का फैसला। और आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। लाहौर रावलपिंडी गुजरावाला डिवीजन में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।